वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो गेमिंग विद आइडिया। तो गाइस आज की इस वीडियो में सीएस रैंक बरमूडो में आपकी टॉप 10 हिडन ट्रिक्स लेके आ गया हूं और ये सारी ट्रिक यूज करना एकदम ही आसान है। और ये ट्रिक जब भी बताऊंगा जब अपना नाम बताओगे। उपेंद्र जोगी। अरे मजाक नहीं, सही में पूछ रहा था आपका नाम, मुझे कमेंट करके बताना। देखिए तो सही सबसे ज्यादा कौन सा सेम नेम है। और सीएस रैंक का न्यू सीजन आने वाला है ना 1 तारीख को, तो मैं अब लाइव करने वाला हूँ 2 बजे से, तो आ जाना यार मेरे साथ सपोर्ट कर देना। और पिछली वीडियो में यूजर भाई ने मेरे लिए शायरी कमेंट करी थी कि पानी पीना है तो ग्लास में पियो, इन बोतलों में क्या रखा है, और वीडियो देखना है तो गेमिंग विद आइडिया का देखो, इन दूसरे यूट्यूबर में क्या रखा है। बस लाइक है क्या? थैंक यू यूजर भाई तेजी शायरी कमेंट करने के लिए। शुरू करते हैं, चलिए। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे ये कहना चाहता हूँ कि चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 10 अपनी वर करने वाली है मार्स इलेक्ट्रिक पे, और इतनी तगड़ी इतनी जहरी तो फाड़ू इतनी खतरनाक। अरे समझ गए भाई, समझ। अरे ठीक है आप समझ गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन एक दिक्कत आने वाली है आपको कि आपको एक टीममेट को बुला के लेके आना है, जो क्योंकि बहुत दिक्कत वाली बात है। सोलो की ट्रिक भी लेके आ जाएंगे, उसमें टोटल 5 ग्लूवल लगेंगे। अभी निकाली तो नहीं, ट्राई नहीं करा, लेकिन आपको लिए ट्रिक लेके आ जाएंगे। 3 ग्लूवल कुछ इसे लगा के अपने टीममेट को बिठाना, खड़े करना है, यहाँ वो आपकी इच्छा। उसके बाद आपको इस ग्लूवल के ऊपर जम करके आपको इधर आ जाना है, और इधर आने के बाद भाई कोई आपको हरा नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूँ। आपकी इच्छा, आप कैसे खेलो ऊपर चढ़ने के बाद वो मुझे नहीं पता। उसके बाद देखो मैंने इसको क्या ही तो हेडशॉट मारा है, बस लास्ट एक बंदा बचे और हम 3 बंदे बचे, तो भाई सामने वाले की खत्म हो चुके हैं, तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपको इससे और अच्छी ट्रिक बताता हूँ, अगर मान लो कभी जोन इस साइड आ जाए, जो कि मेरे साथ वही हो रहा है, तो इधर आने के बाद देखो मैं इधर भी चल सकता हूँ। और एक और चीज बताता हूँ अभी, नो जो जिसको नहीं पता, यहाँ पे छुपने की भी ट्रिक है। देखो यहाँ पे आप तो इनविजिबल वॉल रहती है, तो जिसके ऊपर आप चल सकते हो, और यहाँ पे मैं बैठा तो नीचे मेरे कोई एनिमी दिखा, मैंने इसको डैमेज दे दिया, उसको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा भाई कहाँ से मारा, और इसको मैं स्कोप बंद चालू करके हेडशॉट मार दिया। इसी के साथ विक्ट्री हो गया। अगर लाइक नहीं करो तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना। ट्रिक नंबर 9 अपनी वर्क करने वाले क्लॉक टावर पे, और ये वाली ट्रिक ध्यान से देखना क्योंकि मैं पर्सनली ये यूज करता हूँ, और ये सबसे फास्ट ट्रिक है और सबसे बेस्ट ट्रिक है। मतलब क्लॉक टावर पे अगर ये ट्रिक आपने यूज कर ली तो आपको तो कोई हरा नहीं सकता। लेकिन दिक्कत वाली बात अगर ये मान लो अगर आपके पास 2 ग्लोअल नहीं हुए तो ये ट्रिक नहीं काम करेगी। इसलिए मैं बहुत सारी ट्रिक लाता हूँ, तो वो भी देखती रहा करो। बाकी अगर 2 ग्लोअल है फिर तो आपके जीतने के चांसेस 100% ले लो, क्योंकि यहाँ पे देखो सामने वो बंदे बैठते हैं, इसको भी उन्हें डैमेज दिया, अब वो भागने वाला, लेकिन क्या कर लेगा भाग के, मैं तो पीछे बैठा हूँ ना, बस इसको बिल्कुल भी पता नहीं चला मैंने कहाँ से मारा। और इसी के साथ अपना फर्स्ट किल भी हो चुका है, बस लास्ट में एक बंदा बचा है, वो भी सामने था, इसको भी मैंने मार दिया। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना। चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 8 अपनी वर्क करने वाली रिमनाम विलेज पे, और ये वाली ट्रिक स्पेशली राफेल कैरेक्टर जो यूज करते हैं सिर्फ उन प्लेयर के लिए है। और अगर आपने ये ट्रिक यूज कर ली तो सामने वाले बंदे तो आपको जादूगर ही बोलेंगे। अगर राइफल कैरेक्टर के साथ मान लो स्नाइपर चला रहे हो वुडपीकर, तो बिल्कुल भी लोकेशन नहीं पता चलेगी, ना बंदा दिखेगा। और एक और कमाल की स्ट्रेटेजी बताऊं, अगर अपने सर के ऊपर वाले घर के ऊपर अपने एक और टीममेट को बिठा दिया ना, तो भाई वो वाले बंदे तो उसी के ऊपर नोटिस करेंगे, आप तो बिल्कुल नहीं दिखोगे, तो भाई वो तो बिल्कुल जादूगर ही समझेंगे। मतलब भाई बताऊं मैं पिक तो दे नहीं रहा, फिर किसे मार रहा, यही सोचेंगे। और इसके बाद भी अगर यहाँ पे जोन आ जाएगा तो आप थोड़ा आगे आके इसका भी कवर ले सकते हो, सामने एक और वो स्नो पड़ी उसका भी कवर ले सकते हो। बाकी आपको स्ट्रेटेजी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। ट्रिक नंबर 7 अपनी वर्क करने वाली है पिक पे, और इतनी कमाल की स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ रश करने के लिए। इधर कोई हिडन प्लेसेस नहीं बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको हिडन प्लेसेस भी बता दूंगा। आपको फटाफट इस उधर घूम के मेस के पास आ जाना, और इसके बाद इधर आने के बाद आप पीछे से आराम से जितने भी बंदे बैठे रहते हैं ना उनको देख सकते हो। जैसे मेरे सामने एक बंदा बैठा उसको हेड लेते हैं, इतनी दूर से कोई हेड नहीं दिख रहा है, बॉडी भाई उसने बॉडी में भी इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाया, मैंने इतने साइड में से मारा ना, और सामने एक और बंदा आ गया, इसको ले बॉडी दे रहा हूँ और अभी भी नहीं मरा। और डबल किल के बाद बताओ 2 बंदे और जिंदा रहते तो पक्का एस लेने की तो इच्छा आपकी भी होती होगी। सामने एक बंदा दिखा और मेरे पास ग्रेनेड है, अगर मेरे ग्रेनेड से बच सकता है ऐसा तो कोई बंदा नहीं है। चलो देखते हैं बंदा मरता है, अरे भाई नॉक हो चुका, चलो ट्रिपल किल हो चुके हैं, अब लास्ट एक बंदा अच्छा क्वाड्रा कर लेंगे तो भाई मजा ही आ जाएगा। और इतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी की थी कि कोई साइड में से देख भी नहीं पाया, लास्ट एक बंदा बचा है, मैं सामने खड़ा हूं और इसको हेडशॉट मार के मैंने राउंड निकाला। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।
ट्रिक नंबर सिक्स, अपने वर्क करने वाले कातुलिस्तिया पे। और ये वाली ट्रिक पता नहीं इतने दिन से क्यों नहीं दिखी, इतने सामने ट्रिक थी जबकि, और ये लॉन्ग रेंज वाले बंदों के लिए स्पेशली, आपको बस ये सामने वाले टायर दिखता ना यहाँ पे, बस इसके ऊपर जंप कर देना है और ये सामने एक और टायर दिख रहा है ना, ये सेफ्टी के लिए भी है और ये जोन में जाने के लिए भी है। देखो सामने इधर बंदे देखते हैं वहाँ पे बैठे रहते हैं ना, और यहाँ पे लो एल शेप पे भी बंदा आ गया, इसको 172 मारा, इसने मेरे को 150 मार दिया। और चलो मेडिकेट लगा के पहले, लेकिन लेफ्ट में भी बंदा आ चुका, लेफ्ट में हमेशा आते हैं, अपने तो नोटिस करा होगा, एक को नॉक कर दिया मैंने और इसको चलो फिनिश भी कर दिया। और इसी के साथ अपन जोन में चलते वाले टायर से, और सामने एक बंदे को फिर से नॉक कर दिया, लो एक को फिर 150 मार दिया। अब तू कहां जाएगा, इस जोन के बाहर भाई, इधर ही आना पड़ेगा। और भाई ये बहुत अच्छा करा कि एलिमिनेट होते तो अपने को किल मिल जाता है। ट्रिक नंबर 5, अपनी वर्क करने वाले मील पे। और आपको मैं ट्रिक इतनी बताऊं, मैंने आपको ट्रिक तो बता दी, आपको स्ट्रेटेजी भी बता देता हूं, और इतनी बढ़िया स्ट्रेटेजी बताने वाले हूं। देखो इधर टायर के ऊपर आ जाओगे और यहां से एक बंदे को अगर हेडशॉट से नॉक कर लोगे, यहां पे बैठते ना, अगर हेडशॉट से एक को नॉक कर लोगे ना भाई, सामने वाले हड़बड़ा जाते हैं, मतलब कि अब क्या करें, अब क्या करें। और अब इस टाइम पे आप ग्रेनेड कर दोगे ना तो भाई पूरा गेम आपके हाथ में। लो मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया, एक को मैं नॉक कर देता, चलो इसको भी नॉक कर दिया, किल भी मिल गया। चलो लास्ट वाले बंदे को मारते हैं, ये लास्ट। अरे ये मशीन का कब यूज करेंगे, मशीन के ऊपर चढ़ते ना, ये मशीन के ऊपर यहाँ पे एकदम टॉप पे चढ़ने के बाद, लो मोको भी मेरे को दिख रहा है, एक गोली पड़ेगी और ये चलो फिनिश हो चुका है। इसी के साथ भुया भी हो चुका है। ट्रिक नंबर 9, अपनी वर्क करने वाली रिमनाम विलेज पे। और इतनी कमाल की ट्रिक है, बस आपको एक टीममेट को बुला के लेके आ जाना, और अगर आप ये गलती करते हो तो आप गलती मत करना, आपका एक ग्लूवल वेस्ट हो जाता होगा। देखो आप इसे ग्लूवल को लगा के ऊपर चढ़ते हो, आप नॉर्मल भी चढ़ सकते हो, देखो अपने टीममेट को खड़े कराना, उसके ऊपर भी चढ़ सकते हो। और यहाँ से आप पूरे सामने इधर डब्बे के पास ही हमेशा बंदे, मतलब हमेशा इनका अड्डा यही है, यहीं पे बैठते हो। और यहाँ पर मैंने एक को नॉक कर दिया, और ये वापस रिवाइव करेगा, करने दो, ये ले वापस नॉक ले ले। अब ये भाई लास्ट एक बंदा बचा है, ये कहाँ पर होगा, रुक जाओ देखने दो, लेफ्ट साइड में ये बंदा बैठा, चलो इसको हेडशॉट मार दिया। इसी बात पे सभी जाके लाइक कर देना। ट्रिक नंबर 3, अपनी वर्क करने वाली है रिवर्स साइड पे। और इतनी बढ़िया ट्रिक लेके आ गया हूं, क्योंकि अगर यहाँ पे बैठ जाओगे तो आप सामने वाले के उसको खोल के बैठे रहोगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं देखेंगे आपको करना क्या है। और यहाँ से तो हेड अलग ही दिखते हैं, तो देखो यहाँ पे सामने बंदे घूमते रहते, ये दिखा था, लेकिन ये मेरा टीममेट नॉक हो गया, इसको पहले रिवाइव कर देता हूं। अगर ये नॉक नहीं होता ना, मैं सामने वाले को स्कोप खोल के हेड भी मार सकता था। और इस साइड में एक अब फिर से नॉक हो गया, भाई यही करता रहेगा क्या, मेरे को रिवाइव ही करने का काम दे दिया इसने, चलो इसको अब मारते। अरे फिर नॉक, भाई इसको कौन मार रहा है, भाई मेरे को तो नहीं कोई मार रहा है, लो भाई इसको तो बिल्कुल नहीं पता एकदम कैसे रश कर रहा है अंधे की तरह, चलो इसको मैंने हेडशॉट मार दिया। अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं करो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ध्यान से ऑन कर देना। चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर चलते हैं। ट्रिक नंबर 2, अपनी वर्क करने वाली है मील पे। और ये वाली ट्रिक के लिए आपको कोई सी भी गन लेके आ जाना, मतलब शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों चलेगी। आपको करना क्या है, एक ग्लू होल हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, मैं सेफ्टी के लिए लगा देता हूं ताकि लेफ्ट में से कोई मारे नहीं, मतलब वो मतलब ये सीढ़ी उनके पास में बैठे रहते हैं ना, वहां से कोई मारे नहीं, इसके ऊपर बस 3 जंप करोगे, इसके बाद आप यहां पे आ जाओगे। और यहां पर आने के बाद देखो सामने वाला बंदा जो सीढ़ी पे रहते हैं उनको स्कोप खोल के मार सकते हो, लेकिन ये सेंटोनियो का पुतला मेरे पास आ रहा है, भाई चलो आने दो इसको भी, भाई कोई दिख नहीं रहा, लेको एक को हेडशॉट मारा, देखो मैं इसी का बोल रहा था, ये सेंटोनियो का पुतला रियल एनिमी में कन्वर्ट हो चुका, और इसको मैंने हेडशॉट मार के इसको ओपन चालू करके इसको फिनिश कर दिया। और लास्ट के 2 बंदे बचे हैं ना, उसने एक ने मेरे को देख लिया लेकिन वो बिल्कुल मेरे को मार नहीं पा रहा, देखो अभी वापस से फायर करने आया लेकिन मैं बिल्कुल मेरे को नहीं मार रहा, इसको मैंने हेडशॉट मार के निकाल लिया राउंड। और अगर आपने लाइक नहीं करा तो भाई आप वीडियो को लास्ट वाली ट्रिक को देख के लाइक कर दोगे। ट्रिक नंबर 1, अपनी वर्क करने वाली है पीक पे। और ये पिछले वाला राउंड जीते ना मील वाला, उसके बाद वाला पीक वाला ही राउंड है, अगर नहीं मान रहे हो तो एनिमी होके नाम पढ़ लेना। बाकी ये सारे के सारे बंदे मुझे कमेंट करके ये बताना कि मैं किस टाइप का कंटेंट डालूं, मतलब हिडन प्लेसेस के अलावा किस टाइप की वीडियो डालूं जो आपको देखना पसंद भी हो और आप मुझे उसमें अच्छा खासा सपोर्ट भी करोगे, ऐसा कौन सा कंटेंट या किस टाइप की वीडियो बनाऊं जो आप देखना पसंद करते हो मुझे जरूर से बताना, ठीक है। बाकी मैंने प्लानिंग करके रखी थी मेरी, मैंने पूरी स्क्वाड को बुला लिया कि सारे इधर चढ़ जाते हैं, उसके बाद जब एनिमी आएंगे तभी मारेंगे, बाकी हमारे इमोट है और ये हमें और हमारी पार्टी हो रही है। हमारी पार्टी के बीच में एनिमी ने हमला बोल दिया और एक को मैंने सोनिया मार दी, दूसरा वाले को भी नॉक कर दिया और लास्ट के 2 बंदे बचे, एक को हेडशॉट मारा लेकिन मेरा किल चोरी कर लिया, नहीं तो मेरा क्वाड्रा हो जाता। आपको इसी और सीएस रैंक की वीडियो देखनी हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, आपको बीआर रैंक की हिडन प्लेसेस देखना पसंद हो तो राइट वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करो। चलो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।